फ्रेंड्स नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्वादिष्ट रसोई कल्पना की किचन विद ब्लॉग में। और फ्रेंड्स आज की ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। और एक मेरी पड़ोसियन है इंदु दीदी, मीनाशी ब्लॉग, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। ये देखिए आज सोच रहे होंगे क्या दिखा रही हैं, ये है तुलसी। पर तुलसी का और किचन का क्या संबंध है ये हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। पता है फ्रेंड्स, ये जो तुलसी माता होती है हमारे हिंदू धर्म में इनको माता का रूप दिया गया है और विष्णु भगवान की बहुत ही प्रिय होती हैं ये। बिना शालिग्राम को चढ़ाए बोलते हैं कि इनको भोग ही नहीं लगता है, पता है। तो ये जो होती है ना, इसमें कई बार क्या होता है, काले काले कीड़े हो जाते हैं। मैंने अपनी तुलसी को संभाल के रखा हुआ है, तो किस तरह से तुलसी जी को संभालना है। इनकी जो मंजरी देख रहे हैं आप, ये मंजरी ही हैं। हम आपको दिखाते हैं कि मेरे घर में कैसे अपने आप ही ये मंजरी से बहुत सारा तुलसा उगाती है। एक्चुअली क्या हुआ था, अभी कुछ दिन पहले एक फ्रेंड्स मीना सी ब्लॉग ने उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था और बोला था कि उनकी जो तुलसा है पूरी पता नहीं कैसे सूख गई हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन सबसे पूछा था कि सब लोग प्लीज़ बताइएगा कि कैसे हम अपनी तुलसा को बचा सकते हैं। और तुलसा दवा के रूप में भी, औषधि के रूप में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। मैक्सिमम लोगों को ये पता होता है। ये देखिए ये काले काले कीड़े हैं, एक कीड़ा दिखा भी ना आपको, ब्लैक कलर का, यही होते हैं कीड़े। तो अगर हम लोग इसको ध्यान नहीं देंगे ना, तो धीरे धीरे ये कीड़े जो होते हैं ना पूरी तुलसा को बर्बाद कर देंगे। और तुलसा को अगर आप डेली दो तुलसा चबाते हैं ना, चबा करके पानी पीते हैं, तो शुगर भी कम होता है, बीपी के लिए भी बहुत ही हेल्दी है ये। और कोरोना काल में तो सारे धर्मों को पता चल गया होगा तुलसा के महत्व के बारे में, क्या बताऊँ मैं, सबको पता है ये सारी चीज़ें। हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे कि हम अपने तुलसा को कैसे बचा सकते हैं, इनके कीड़े को कैसे भगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे घर में जो ये तुलसा का पेड़ अभी आपको बड़ा वाला दिखाया ना, उसी में से छोटी छोटी तुलसा हैं जो मैंने उनकी मंजरी को ऐसे ही गमले में डाल दिया था और ये ऐसे तुलसा छोटी छोटी निकल गई हैं। एक चीज़ याद रखना है कि तुलसा में हमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, नहीं तुलसा अंदर से नीचे से गल जाती है, बहुत ही सॉफ्ट होती, ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंडक इनको बर्दाश्त नहीं होती है। तो जब भी आप तुलसा को लगाते हैं तो ये चीज़ याद रखें कि इनको बचा के रखें बहुत ज़्यादा धूप से और बहुत ज़्यादा पानी से। देख लीजिए कितनी सुंदर ये तुलसा है। तो चलिए बताते हैं कि किस तरह से हम तुलसा को कीड़े से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बताना चाहेंगे, ये वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, कि जब भी हम तुलसा में या तो किसी गमले में पानी डालते हैं तो एक सावर टाइप का होता है प्लास्टिक का, मेरा वो टूट गया है फ्रेंड्स और मैंने बनाया भी नहीं है। तो जब भी हम डालते हैं ना, तो हफ्ते में दो बार ऐसे पानी डालना है कि पूरा प्रेशर में होना चाहिए, पानी पूरे फोर्स में आना चाहिए। ये आम के पेड़ बच्चों ने लगा रखे हैं, हापुस आम है ये, बहुत सारे मेरे बच्चों को भी पौधों का बहुत शौक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें जब भी तुलसा में या किसी पौधों में पानी डालना है तो वीक में दो बार हमें काफ़ी अच्छे से उसको करना है। तो आधे से ज़्यादा उसकी जो कीड़े रहते हैं ना, जब हम बहुत अच्छे से उसको सावर देंगे यानी कि काफ़ी फोर्स में पानी डालेंगे, तो वो कीड़े क्या होते हैं, झड़ जाते हैं और निकल जाते हैं। तो ये हो गई फ्रेंड्स एक बात। और दूसरी बात क्या है, जब हम कोई भी धूप बत्ती या अगरबत्ती को जलाते हैं, पहले के ज़माने में राख होती थी जो कंडे की राख होती है, अब उपलब्ध नहीं होती है हर जगह, तो आप लोग अगरबत्ती के राख को जो जलन हुआ होता है, जला हुआ होता है ना, उसको ज़रूर डाल दिया करें, फेंका ना करें, बहुत ही हेल्दी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, जो वो है हमारे किचन में। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं, ये देखिए मंजरी कि किचन की वो कौन सी चीज़ है जो हमारे तुलसा जी के लिए बहुत ही लाभकारी है और आम इंसान के लिए भी बहुत लाभकारी है वो। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है लौंग, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक पैन ले रखा है और पैन में डाल दिया है 4-5 लौंग। हमें ज़्यादा लौंग नहीं लेनी है क्योंकि लौंग का भी जो मतलब इसका ताप होता है ना, बहुत हीट रहता है इसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं लेना है। इन 4-5 लौंग को हम अच्छे से इस पानी में उबल जाने देंगे। तो चलिए इसको उबाल लेते हैं।
पानी में बबल्स आने लगा है। अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और पानी को पूरी तरह से बिल्कुल नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है ना उसके हिसाब से इसको कर लेंगे, यानी कि ठंडा कर लेंगे। तो चलिए इसको ठंडा हो जाने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पानी बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, यानी कि ठंडा हो चुका है। अब जो ये पानी है ना, इसी पानी को जिस जिस में कीड़े लगे हुए हैं हम उसको आराम से, एक्चुअली मैंने एक हाथ से ले रखा है मोबाइल नहीं आपको दिखाते, आराम से ऐसे सारे पत्तों में डाल देंगे। उस कीड़े में जहाँ जहाँ कीड़ा लगे उसको बहुत अच्छे से इसको वाश कर देंगे और सारे पत्ते के जो कीड़े हैं देखिए पूरे निकल जाएंगे। वो ये देखिए, ये पानी ना बहुत ही हेल्दी रहता है पौधों के लिए, तुलसा के लिए। तो आज की वीडियो अगर आपको ज़रा सी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।